अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इन एनिमेशंस को आप ज़रा गौर से देखें। ये एलॉन्ग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड आसिलेट करेगा, एलॉन्ग जेड एक्सिस भी आसिलेट करेगा। ये रेड कलर में जो है ये एलॉन्ग जेड एक्सिस आसिलेट कर रहा है, और जो ब्लू कलर में है ये एलॉन्ग वाई एक्सिस आसिलेट कर रहा है। एलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस ये लाइट ट्रेवल कर रही है। ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है, या ऑसिलेशन कर रहा है। उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो से मैक्सिमम हो जाती है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम हो जाती है। और यहाँ पे जो आपके पास ग्रीन वेक्टर है, ये इन दोनों का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन एलॉन्ग जेड एक्सिस जो हो रही है और एलॉन्ग वाई एक्सिस हो रही है, इन दोनों का आपके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इसको हमने ग्रीन लाइन से शो किया है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये रेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो ब्लू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इनकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होती है, तो रिजल्टेंट की भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होती है और फिर डिक्रीज़ होती है। तो ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है और ये इन फेज हैं। ये दोनों वेव्स अगर आप देखें यहाँ शुरू से, तो ये इकट्ठे स्टार्ट होती हैं, तो ये इन फेज ऑसिलेशन है, इसे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बनेगी और ये आपको नज़र आएगा। तो आप देखें, ये देखें इन फेज इकट्ठे स्टार्ट हुई हैं, ये ऑसिलेशन हो रही है और इनका ये अभी आपको वो रिजल्टेंट भी आपको नज़र आ जाएगा कि इनका जो रिजल्टेंट, ये उनका रिजल्टेंट है। तो ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब ये देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लेकिन एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। जो ग्रीन है उसको आप फोकस करें, वो एक सिंगल प्लेन आपके पास बना रहा है। अच्छा, अब अगर इनको हम आउट ऑफ फेस कर दें, अब आप देखें, ये देखें ऑसिलेशंस को हम आउट ऑफ फेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, एक मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसी सूरत में आप देखेंगे ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की वो बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रोटेट करेगा। अभी रिजल्टेंट आपको नज़र आ रहा है, देखें ये सामने से देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, ये ग्रीन की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, बल्कि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है। सामने से देखें ये रोटेट कर रहा है, सर्कल बना रहा है। तो ये आपके पास सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगी। और अगर ये आपके पास रेड और ब्लू बराबर ना हो तो फिर ये एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगी। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बड़ी खूबसूरत एनिमेटेड वीडियो थी, ये मेरे पास बहुत पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया जो है ना वो क्लियर हो जाए।